बात विराट कोहली की। भाई विराट पर प्रेशर तो था, किसी भी बल्लेबाज पर, वो भले सचिन तेंदुलकर हो या विराट हो, जब इतने बड़े माइलस्टोन के करीब आते हैं तो उम्मीदों का बहुत दबाव होता है, और वो दिख भी रहा था। विराट कोहली 100 बनाए हर रोज हम उम्मीद करते थे, और खिलाड़ी जितना मर्जी इस बात को कहें, लेकिन हकीकत यह है कि उस दबाव को वो सुनते हैं। वो दबाव था आपसे 100 चाहिए 100 चाहिए 100 चाहिए, और बड़ी अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने इस मैच में, यानी कि लीग मैच में ही, वो 49 100 बना दिया। उनके पास मौका रहेगा अगले संडे दिवाली के दिन नेदरलैंड्स के खिलाफ सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने का। जितनी जीत भारत की हुई है शायद ये सबसे जबरदस्त है। मैं इंग्लैंड वाले मैच की भी बात करूंगा जहां भारत के पास बोर्ड पर रन नहीं थे 229, बट वहां पर गेंदबाजों ने 100 रन से मैच जिताया, और वहां से ना भारत की गेंदबाजी की तूती बोली है, क्योंकि भारत ने वहां से अटैकिंग बॉलिंग का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद श्रीलंका को तो 55 रन पर आउट किया, और साउथ अफ्रीका इंडिया का मुकाबला था टेबल टॉप करने के लिए, इस टूर्नामेंट की दो बेस्ट टीमें। लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने एक बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया। भारत ने अपनी ताकत पर नहीं खेला, भारत ने कहा कि साउथ अफ्रीका की जो कमजोरी है हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। भारत भी चेज करना चाहता था, लेकिन शायद उन्होंने कंडीशंस को बेहतर रीड किया। उन्होंने कहा जी हम पहले बैटिंग करने का रिस्क लेते हैं, क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका चेज अच्छा नहीं करता। बोर्ड पर जब 326 रन बने मुझे भी डाउट था, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत ने 20 से 30 रन कम बनाए हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो बड़ा जबरदस्त बैटिंग करता है। लेकिन उसके बाद जो आपने देखा कमाल था, 50 100, सो दैट जब वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अगर भारत जाता है तो भाई उसके बाद विराट पर कोई इस तरह का दबाव ना हो कि जी आप पर्सनल माइलस्टोन के करीब खड़े हैं। विराट जब बैटिंग कर रहे थे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छा स्टार्ट दे चुके थे, 10 में 94 रन थे, लेकिन 10 और 20 के बीच सिर्फ 30 रन बने। वहां लगा कि यार ये भारत स्लो हो गया है, क्यों? क्योंकि केशव महाराज बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने वहां से गाड़ी पकड़ी, और श्रेयस अय्यर ने विराट से भी दबाव हटाया। श्रेयस अय्यर ने लंबी हिटें मारी, और श्रेयस अय्यर ने स्कोरिंग रेट को थोड़ा बेहतर किया। द मोमेंट स्कोरिंग रेट बेहतर हुआ तो हमें 300 रन दिखने शुरू हुए। हमने कहा चलो 300 रन है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन भारत के गेंदबाज देखते हैं क्या कमाल करते हैं। उसके बाद एक ऐसा पीरियड भी आया जहां विराट संभल संभल कर खेल रहे थे, फूक फूक कर कदम रख रहे थे। आपको याद होगा शमजी उनको थोड़ा परेशान कर रहे थे, और उस वक्त विराट थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी दिखे। अब इसको आप दो तरह से देख सकते हैं, एक ये कि यार विराट देखो अपने माइलस्टोन के करीब चले गए हैं, स्लो खेल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, शायद उन्होंने कंडीशंस को बेहतर रीड कर लिया था। क्योंकि जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको अंदाजा रहता है कि ये विकेट कैसा है, स्कोरबोर्ड पर कितने रन हैं, फिर जब आप विकेट को देखते हैं, स्कोरबोर्ड को देखते हैं, तो आपको ये अंदाजा रहता है कि हमें कितने रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये गेंदबाज हैं और साउथ अफ्रीका के पास ये बैटिंग है। मुझे लगता है कि विराट की सबसे बड़ी कामयाबी ना आज 100 तो थी ही, लेकिन उन कंडीशंस को रीड करना थी। भले ही उन्होंने अपने आप को रोक के रखा हो, भाई आप किसका दिल नहीं करता कि उठा के यहां पर छक्का मार दे, उठा के वहां पर चौका मार दे, लेकिन वो एंड तक खड़े रहे, वो एंड तक खड़े रहे। बीच में एक सूर्य कुमार यादव का कैमियो आया, एक रविंद्र जडेजा का कैमियो आया, और उससे यह हुआ कि भारत उतने रन बनाने में कामयाब रहा जहां पर हमें लगा कि यार अब ना ये मैच अच्छा हो गया है। अब मैच अच्छा हो गया है, 326 रन आपने बना दिए, 326 में जब भारत आया, गेंदबाज भारत के तो जबरदस्त थे। भारत तो ऐसी गेंदबाजी कर रहा है कि 326 रनों में वो सामने वाली टीमों को 3 बार खिला दे। पहला विकेट सिराज को मिला, और द मोमेंट आपको पहला विकेट क्विंटन डीकॉक का मिल गया था, आप समझ गए थे कि भाई अब साउथ अफ्रीका पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और साउथ अफ्रीका पे प्रेशर बढ़ता गया। मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, उसके बाद जो गेंदबाजी हुई वो खौफ पैदा करने वाली गेंदबाजी थी। भाई भारत की गेंदबाजी जो है वो भारत को वर्ल्ड कप जिताएगी। आप अगर सिराज, बुमराह और मोहम्मद शमी पर नजर डालें इस वर्ल्ड कप में, अब शमी तो 4 ही मैच खेले हैं, 16 विकेटें उनकी भी हो गई हैं, 15 विकेटें बुमराह की हैं, उसके अलावा आप देखें सिराज की भी विकेटें हैं, विच मींस कि भारत के तीनों तेज गेंदबाज जो हैं वो एक के बाद एक अटैक करते हैं। सामने वाली टीम को ये रिस्पाइट नहीं है कि चलो यार बुमराह को झेल लिए तो सिराज को रन बना देंगे, यहां पे सिराज को झेल लिए तो शमी को रन बना देंगे। भाई तीनों को झेलना बड़ा मुश्किल है, और भारत अगर आप देखें और बाकी तेज गेंदबाजों को देखें, फर्क यह है कि भारत सिर्फ और सिर्फ एक टप्पे पर गेंद करते हैं, वो एक टप्पे पर जहां पर वो बैट्समैन को फोर्स करते हैं कि आप खेलिए और खेलिए। स्लिपों पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, हम LBW और बोल्ड के लिए जाएंगे, तो वहां पर द मोमेंट भारत के तेज गेंदबाजों ने ऊपर से विकेट दे दी, फिर आए रविंद्र जडेजा। अब ईडन गार्डन्स में ओस भी गिरती है, विकेट जैसा भी हो, ड्राई भी हो, लेकिन जब ओस गिरती है तो फिर आप ये मानते हैं ना कि बैटिंग थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन फ्लडलाइट्स में ये भारत का एक रिस्क था कि जब जब सेकंड आप गेंद करेंगे, द मोमेंट फ्लडलाइट्स जलती हैं, तो सीम बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को मदद थोड़ी ज्यादा मिलती है।
उन कंडीशंस में उनका बॉल हिलता भी है। तो आप क्या करते हैं ना, 15 ओवर पहले जो होते हैं वहां पर दो तीन आउट कर देते हैं, कभी चार आउट कर देते हैं। द मोमेंट आपने तीन या चार आउट कर दिए, सामने वाली टीम की पीठ तोड़ दी, उसके बाद कुलदीप और जडेजा। अब रोहित की कप्तानी की यही खासियत है कि उनके पास 5 अटैकिंग गेंदबाज हैं। हार्दिक पांड्या भारत के जब तक खेल रहे थे तो भारत शार्दुल ठाकुर को खिलाता था क्योंकि इनको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए होती थी। लेकिन द मोमेंट हार्दिक बाहर हुए तो भारत समझ गया भाई हमें ऐसा गेंदबाज नहीं खिलाना जिससे आप शायद किसी दिन फंस जाएं और पूरे ओवर ना करा पाए। वहां पर एक डिफॉल्ट के तौर पर आपने शमी को खिलाया। अब 5 गेंदबाज हैं, भारत के पास 6 गेंदबाज नहीं है। अभी तक सिर्फ बातें हैं जी विराट कर लेंगे, जी श्रेयस कर लेंगे, लेकिन आई होप जरूरत ना पड़े क्योंकि ये एक मतलब अनरिटन रूल है कि अगर एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज, एक अटैकिंग गेंदबाज का खराब दिन हो, उससे 10 ओवर कराना ज्यादा बेहतर है राधा देन किसी और से 2 या 3 ओवर कराने।